यहाँ पर फाइनली ऐसे CMTS हवलदार का जो एनवी कार्ड डाउनलोड करने का वो लिंक था जो एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी कैंडिडेट SSC में MTS हवलदार के लिए जो फॉर्म भरे थे जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप, इस वीडियो बन रही है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए। SSC के ऑफिशियल साइट पर चलेंगे और ऑफिशियल साइट पर आने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर एडमिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से यहाँ पर सभी रीजन का यहाँ पर है ना, सभी रीजन का यहाँ पर URL शो कर देगा। किस रीजन का आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उस रीजन पे आपको क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर सेंट्रल रीजन का देख लेते हैं, सेंट्रल रीजन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको उसका ऑफिशियल साइट यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा वेट करना है, अगर जो नहीं रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। जैसे इंटरफेस खुलेगा, अब यहाँ पर आपको देखिए बता रहा है आपको स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार कर देंगे डाउनलोड करने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि किस ऑप्शन का यूज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कर सकते हैं, रोल नंबर से भी कर सकते हैं, यहाँ पर नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर एग्जाम सेंटर आप कहाँ डाले हैं वहाँ पर चूज करके जैसे यहाँ पर सर्च फिर क्लिक बता देगा, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम डेट है कब होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक शिफ्ट बता देगा, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद आप एग्ज़ाम टाइम बता देगा, ठीक है, कि कहाँ आपको, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम कि कितना बजे से आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी आपका कि किस यहाँ पर शहर में दिया गया है आपको एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पर स्टेटस में फॉर्म कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, एक्सेप्टेड यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर यू एग्ज़ाम विल बी होल्ड ऑन द 11/5 यूर्दू डाउनलोड विद एडमिट कार्ड फॉर्म द चार्ज, ठीक है। इनको 11/5 को एडमिट कार्ड, यहाँ 11/5 को एग्ज़ाम है बट आपको इनको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 7 तारीख, ठीक है, यानी 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।